हेलो, मैं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम तत्काल टिकट के बारे में जानेंगे और उससे हो रही सरदर्दी के बारे में जानेंगे। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखी होगी और आप सभी लोग इससे परेशान होंगे। एक भी जन ऐसा नहीं होगा कि जिसने तत्काल टिकट करवाया हो IRCTC से, मतलब कि उसके ऐप से या वेबसाइट से, और उसने परेशानी न झेली हो। तो अब आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या घोटाला चल रहा है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तत्काल टिकट क्या होता है? तो तत्काल का मतलब होता है तुरंत। अब रेलवेज आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है तत्काल टिकट की, जिसका मतलब ये है कि लास्ट मोमेंट पर जब भी आपको ट्रेन में जाना हो तो जस्ट एक दिन पहले, मतलब कि जब भी ट्रेन का डिपार्चर होगा उसके जस्ट एक दिन पहले 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप AC का टिकट बुक कर सकते हैं और 11 बजे से 12 बजे के बीच में आप स्लीपर का टिकट बुक कर सकते हैं। और तत्काल कोटा अलग से रहता है, इसके लिए कई सारी सीट्स वैसे ही ट्रेन में रहती है नॉर्मली, जो कि सिर्फ इस कोटे के लिए ही रहती है। बाकी जो आप पहले सीट्स कराएंगे वो अलग जनरल कोटा में जाती है और ये तत्काल कोटा अलग रहता है। तो इसकी जितनी भी सीट्स होगी उसको भरने के लिए आपको 10 से 11 या फिर 11 से 12 के बीच में आना पड़ेगा और उसी टाइम पर ये खुलता है और तुरंत ही आपको सारी डिटेल्स भर के वहाँ पर जल्दी से पैसे देना होता है, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी टिकट बुक हो पाए और उसके बाद आपको आपकी सीट मिल पाए। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है कि हाँ भैया, रेलवे ने ये सर्विस प्रोवाइड करी है और इसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा पैसे भी लेती है तत्काल का, तत्काल चार्जेस मतलब अलग से लगते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये सुविधा हो जाती है कि आप जस्ट एक दिन पहले ही आप ट्रेन में रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से IRCTC ऐप और IRCTC वेबसाइट आए हैं तो देखिए, नो डाउट इससे फायदा बहुत हुआ है कि आप घर बैठे बैठे टिकट कर सकते हैं। भले इसमें थोड़ा सा टैक्स लेती है IRCTC, लेकिन तब भी आपकी घर बैठे बैठे टिकट्स बुक हो जाती है। तो वैसे ही तत्काल के लिए भी सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करी जा रही है, तो जैसे ही सर्वर खुलता है मान लीजिए 10 बजे या फिर 11 बजे, तो वैसे ही आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि आप वहाँ पर कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। मतलब कि जैसे ही आप वो ट्रेन को चूज़ करेंगे, अपनी डिटेल्स भरने जाएंगे, वहाँ पर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो सर्वर ही डाउन हो जाता है। मतलब कि जब पहले के एकदम 5 क्रूशियल मिनट्स रहते हैं 10 बजे से लेकर 10:05 तक या फिर 11 बजे से लेकर 11:05 तक, तो वो दोनों टाइम पर यहाँ रेलवे का सर्वर ही डाउन हो जाता है और हमेशा लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। और जैसे ही वो पहले के 5 मिनट होंगे, उसके बाद आप जैसे ही सर्वर वापस से चालू होगा, आप अपनी डिटेल्स भरेंगे और टिकट करेंगे, तब तक आपका टिकट वेटिंग में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और लगभग सबसे ये चीज़ फेस करी जा रही है। और इस प्रॉब्लम पे IRCTC का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि सारी टिकट्स नॉर्मली हो रही है और साथ ही साथ उसको पूरा का पूरा पैसा भी जा रहा है। मतलब कि जो भी टिकट्स होती हैं तो IRCTC को पैसा तो जाता ही है, लेकिन इसके पीछे का जो घोटाला चल रहा है उसके बारे में शायद IRCTC को कुछ भी नहीं मालूम है, और मालूम भी होगा तब भी वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जब भी आपका तत्काल टिकट नहीं होगा उस क्रूशियल टाइम पे, तो आप क्या सोचेंगे कि भैया इतने सारे लोग इंडियन रेलवेज में ट्रेवल करते हैं और सब के सब अगर एक साथ ही वहाँ सर्वर पर आ जाएं तो फिर सर्वर डाउन हो जाएगा, इतने सारे लोगों की कैपेसिटी नहीं बियर कर पाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपकी बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि बहुत सारे सर्वर ऐसे रहते हैं जो कि ज़्यादा लोग आने पर डाउन हो जाते हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर 5 मिनट बाद भी वो सर्वर खुल रहा है तो उस टाइम पर भी आपकी टिकट्स क्यों नहीं बुक हो रहे हैं, उस टाइम पर आपका वेटिंग क्यों आ जाता है अचानक से? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टिकट्स कोई और बुक कर दे रहा है उस 5 मिनट में। और कोई और का मतलब यहाँ पर साइबर अटैक का है, मतलब कि यहाँ पर हैकर्स जो रहते हैं तो उन्होंने इस IRCTC के सर्वर को ही हैक कर लिया है। IRCTC के ऐप की और साथ ही साथ वेबसाइट की जितनी भी खामियां हैं उन लोगों ने अच्छे से पकड़ लिया है, एक एक लूप होल पर ध्यान दिया है और उसके हिसाब से उन्होंने एक अलग ही सॉफ्टवेयर बना दिया है। अब उस सॉफ्टवेयर में वो क्या करते हैं कि जिसको भी तत्काल टिकट करना होगा तो पहले से ही वो अपनी सारी की सारी डिटेल्स डाल के रख देते हैं, और जैसे ही तत्काल का टाइम शुरू होता है तो वैसे ही वो क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर से उनके जो नाम है, मतलब कि उन्होंने जो लिस्ट में नाम डाले हैं, उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। अब इनका सर्वर काम कैसा करता है ये भी समझिए। अब जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ वहाँ पर टिकट बुक कर रहे हैं, तो जिस मिलीसेकंड में आप जा रहे हैं उसके हिसाब से वहाँ पर एक क्यू बन जाती है, मतलब कि एक के बाद एक वहाँ पर रिक्वेस्ट जाते जाती है टिकट के लिए। अब जो पहले पहले की रिक्वेस्ट होगी वो वन बाय वन कंप्लीट होते चली जाती है, मतलब जो पहले आई उसका टिकट हुआ, उसके बाद फिर दूसरी रिक्वेस्ट आई उसका टिकट हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर काम चलता है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्यू बन जाती है जितने भी लोग वहाँ पर उस टाइम पर सर्वर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी में इन्होंने लूप होल निकाल कर ऐसा किया है कि खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया जिसमें कि ये पहले से ही लोगों के नाम डाल के रख देते हैं, और उस सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली उसमें नाम जो है वो लोग एकदम से कई सारे इंसर्ट करते हैं अचानक से, मतलब कि जैसे ही 10 बजते हैं तो AC का या फिर जैसे ही 11 बजते हैं तो स्लीपर का, और उस सॉफ्टवेयर में जितने भी नाम रहते हैं तो प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। मतलब कि अगर आप उस टाइम पर अपना टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, आपका नाम वहाँ पर अपने आप नीचे आ जाएगा और इन लोगों के जितने भी नाम है वो सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं। तो इनकी रिक्वेस्ट जो है वो फटाफट कंप्लीट होती है और सारी की सारी तत्काल टिकट ये लोग बुक कर लेते हैं।
तो इन हैकर्स ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि यहाँ पर पूरा का पूरा गड़बड़ सिस्टम कर दिया है। और जैसे ही आपके लिए यहाँ पर टाइम आएगा कि आप नॉर्मली अपनी सारी डिटेल्स भर के टिकट लें, तब तक वहाँ पर बहुत देर हो चुकी होगी और सारी की सारी सीटें ऑलरेडी बुक हो जाएगी। अब देखिए, कुछ कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि यहाँ हमेशा उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार टिकट्स बुक भी हो जाती है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा भरी हुई ट्रेन्स में जाएंगे या फिर ऐसी ट्रेन्स जिनमें बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है, तो उसमें आप ये प्रॉब्लम्स हमेशा ही फेस करेंगे। या तो फिर जब आप गर्मी के टाइम पर टिकट्स बुक कराएंगे, जब सीजन रहता है और बहुत लोग ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, तो उस टाइम पर भी आप ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पर सीजन नहीं है, तो हो सकता है आपकी नॉर्मली टिकट्स बुक हो भी जाएँ, लेकिन उस टाइम पर आपकी बिल्कुल भी नहीं होंगी। और ये जो साइबर अटैक है, तो इसे तो हैकर्स ने किया है और साथ ही साथ इन्होंने सॉफ्टवेयर भी बना दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सॉफ्टवेयर बड़े धड़ल्ले से बिक रहा है पूरे के पूरे डार्क वेब में या फिर टेलीग्राम में। तो आप अगर खुद चाहें तो आप खुद भी जाके वहाँ खरीद सकते हैं ऐसे ऐप को। और जितने भी आपने दलाल देखे हैं या फिर साइबर कैफे वाले अगर आपने लोग देखे हैं जो कि टिकट बुकिंग करते हैं, तो उन सबके पास लगभग ये सॉफ्टवेयर रहता है। भले ही ये ब्लैक में करते हैं काम, चुपचाप करते हैं, लेकिन सबके पास लगभग आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और आपसे उसके बदले में बहुत ज्यादा ये लोग पैसे चार्ज करते हैं कि हम आपको कन्फर्म टिकट दिला के देंगे। मतलब कि जितना नॉर्मल टिकट होगा उससे लगभग 4 गुना या 5 गुना भी आपसे पैसे ले लेते हैं। तो इतना ज्यादा पैसे लेके ये आपको वहाँ पर टिकट बुक करके देते हैं और उस सॉफ्टवेयर से। अब इस सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो ये लगभग 2,500 रुपए का आता है और इसे खरीदना पड़ता है, और इसको खरीदने के बाद हर महीने इसका रिचार्ज भी करना पड़ता है, और लगभग 2,500 का ही इसमें आपको रिचार्ज भी करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको इसमें अनलिमिटेड टिकट्स बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि आपको जिनके भी टिकट्स बुक कराना है आप पहले से ही नाम डाल दीजिए, और जैसे ही 10 बजेंगे या फिर 11 बजेंगे तो जो भी टिकट रहा एसी या स्लीपर, तुरंत आपका 1 मिनट में वो टिकट बुक हो जाएगा उसमें से। और ये ऐप के बारे में ऐसे तो मैंने खुद रिसर्च करी है, लेकिन मेनली मेरा जो वीडियो है तो उसका मैंने रेफरेंस लिया है जी न्यूज़ से। अब जी न्यूज़ के DNA में ही एक दिन ये न्यूज़ को बताया गया था, साथ ही साथ वो जो वीडियो है मतलब कि जी न्यूज़ का, उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी तो वरना मैं आपको समझा ही रहा हूँ, तो उसी में जी न्यूज़ वालों ने इस चीज़ की जांच पड़ताल करी थी और उसमें ये पाया गया कि 2,500 में सॉफ्टवेयर बड़े ही आराम से मिल जा रहा है और कोई भी इसे खरीद सकता है। उसके बाद लगभग 2,500 का आपको रिचार्ज भी करना पड़ेगा और फिर आप अनलिमिटेड टिकट्स बुक करते रहिए। हैकर भी खुश हैं कि उनको पूरा का पूरा पैसा मिल रहा है। नेट कैफे वाले या फिर दलाल जो हैं, जो टिकट्स बुक कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपसे पैसा वसूल कर रहे हैं। और जो बेचारे लोग इमरजेंसी में जाना चाहते हैं, तो वो पूरी की पूरी जनता यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। नॉर्मली टिकट्स बुक होते नहीं हैं और यहाँ पर उनको इतना ज़्यादा पैसे देके टिकट बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गंभीर ये मामला है और इसके बारे में रेलवे को यहाँ पर कुछ करना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना धड़ल्ले से चल रहा है तो क्या IRCTC या फिर RPF मतलब कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, क्या इनको बिल्कुल भी खबर नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि खबर सबको है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि IRCTC को बराबर पैसा मिल रहा है तो इसलिए उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब क्योंकि टिकट्स तो बुक हो ही रहे हैं, IRCTC को पूरा का पूरा पैसा जा रहा है, बस जनता परेशान हो रही है, तो इसलिए इनके टॉपिक्स पर इतना जल्दी ये लोग ध्यान देते नहीं हैं। वहीं अगर मैं RPF की बात बताऊं, तो वो लोग ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, जब भी दलालों की उनके पास कंप्लेंट जाती है तो वो पकड़ते हैं। लेकिन ये बिजनेस इतना ज्यादा धड़ल्ले से चल रहा है कि वो किस किस को पकड़ेंगे? हर कोने गली में जाकर वो लोग तो पकड़ नहीं सकते, इतनी सारी ट्रेन्स चल रही है और कहाँ कहाँ जाके वो लोग करेंगे ये चीज। तो फिजिकल लेवल पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इंटरनेट लेवल पर ही इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, IRCTC को अपनी वेबसाइट और अपने ऐप को और अच्छा बनाना पड़ेगा, उसमें से सारे के सारे लूप होल्स और ये सब को हटाना पड़ेगा, और उसके बाद ही IRCTC का सर्वर इतना अच्छा हो पाएगा कि बाकी नॉर्मली लोग भी यहाँ पर टिकट्स बुक कर सकेंगे और ऐसे जितने भी फालतू के सॉफ्टवेयर हैं उनको वो ब्लॉक कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो भी हैकर्स इन सब चीज़ों को चला रहे हैं, तो उन हैकर्स को भी पकड़ा जा सकेगा जो कि यहाँ फालतू का पैसा कमा रहे हैं बीच में से। और अगर IRCTC से ये चीज़ संभाली नहीं जा रही है, मतलब मानता हूँ चलिए कि इतने सारे लोग हैं तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि हाँ भैया इतना बड़ा सर्वर एक मेंटेन किया जाए। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई या फेसबुक हो गई, तो इन सब पर भी तो कई सारे लोग जा ही रहे हैं और IRCTC से तो कई गुना ज़्यादा जा रहे हैं, तो इनको ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है बराबर से। तो यहाँ पर IRCTC क्या कर सकती है कि कई सारी जो कंपनीज है इंडियन, जैसे कि विप्रो हो गई, TCS हो गई या फिर इन्फोसिस हो गई, तो इस तरह की कंपनी में से किसी को भी वो ठेका दे सकती है IRCTC की वेबसाइट को मेंटेन करने का। मतलब कि इनका जो ऐप है या वेबसाइट है उसका जितना भी अंदर का भाग है, मतलब कि कैसे वो काम करेगा, क्या करेगा, तो ये सब कुछ की मेंटेनेंस के लिए वो इन कंपनीज को दे सकते हैं, जो कि इनसे पैसा भले ही चार्ज करेगी लेकिन यहाँ पर एकदम सिक्योरिटी रहेगी और तब जाके इनकी वेबसाइट या फिर ऐप एकदम अच्छे से काम करेंगे। वरना अभी तो आप देखते होंगे कि IRCTC का ऐप और वेबसाइट दोनों ही एकदम बकवास चलते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है।
बस मजबूरी ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है IRCTC में, इसलिए लोग उसमें टिकट कराते हैं। बाकी वरना कहीं से भी कराएंगे आपको ज्यादा ही पैसे लगेंगे, तो इसलिए इनको ये चीज मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैंने इनको सॉल्यूशन भी बता दिया है। इसलिए रेलवे को, IRCTC को, RPF को, सबको मिलके काम करना पड़ेगा और ये जो साइबर ठग्स हैं इनसे इस वेबसाइट को दूर करना पड़ेगा और जितनी भी वेबसाइट या ऐप में कमियां हैं उन सबको हटा के एकदम बढ़िया से काम करने वाली वेबसाइट बनवाना पड़ेगा। और बाकी मैं आपको बता दूं, आप अपना इतना सारा डेटा डालते हैं टिकट बुक करते समय, और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हैकर्स अपना नॉर्मली सॉफ्टवेयर बना दे रहे हैं तत्काल टिकट के लिए, तो यहाँ पर इस चीज की क्या गारंटी है कि आपका डेटा उसमें सेफ है? मतलब कि आप वहाँ पर फोन नंबर अपना डाल रहे हैं, नाम डाल रहे हैं, एज भी जा रही है, तो क्या भरोसा कि आपकी ये डिटेल्स भी वहाँ पर सेव रहे, सुरक्षित रहे? वो लोग चाहें तो आप ये डिटेल्स भी वहाँ से चुरा सकते हैं, और डेटा आजकल बहुत महंगा बिकता है, तो किसी भी कंपनी को आपका डेटा भी बेच सकते हैं। डार्क वेब में वैसे ही बड़े धड़ल्ले से आजकल डेटा बिकता है सारी चीजों का, और वैसे ही कई सारी कंपनीज बदनाम है डेटा बेचने के मामले में, और उस टाइम पर IRCTC यहाँ पर बराबर काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप इस घोटाले के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इस घोटाले में रेलवे तो शामिल है नहीं, ना ही IRCTC शामिल है। इसमें बस बात यह है कि साइबर ठग या फिर जो हैकर्स रहते हैं उन लोगों ने यहाँ पर उत्पात मचा रखा है और उन लोगों की वजह से नॉर्मल लोग परेशान हो रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आज बड़े अच्छे से समझ गए होंगे आप इस घोटाले के बारे में कि किस तरह से तत्काल टिकट्स के नाम पर बहुत ज्यादा ठगी चल रही है रेलवे में और नॉर्मल लोग यहाँ पर टिकट्स बुक नहीं कर पा रहे हैं। अब जो लोग देखिए काउंटर पे जाकर टिकट बुक कराते हैं उनका भले ही हो भी जाए, लेकिन वहां पर भी आप जानते हैं कि इतनी बड़ी लाइन रहती है और तत्काल के लिए तो खासकर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो वहां पर वैसे ही आपको जाने मिल नहीं पाएगा, और ऑनलाइन अगर आप करने जाएंगे तो आपका होता नहीं है टाइम पर। तो बस ये चीज़ थी, IRCTC अगर ये चीज़ ठीक कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब फिर से कंटिन्यूअसली वीडियो आते रहेंगे, आप अपना प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेंड्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।